नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, करोड़पति बनना है। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड की है, धन कैसे आए, कैसे जीवन सुधर जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या धन ही सब कुछ है? नहीं, लेकिन धन बहुत कुछ है। धन सब कुछ तो नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बात है, लेकिन धन बहुत कुछ है। निर्धन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वो और उसका परिवार जो दुख, जो दुख और जो नर्क इसी पृथ्वी पर भोगता है, वो बहुत ही दर्दनाक होता है। इसलिए धन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी सृष्टि को चलाते हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु, है ना? और उनका साथ कौन देती है? माता लक्ष्मी। धर्म भी आपका तभी टिका रहता है जब आपके पास धन होता है। जब धन आता है तो व्यक्ति तरह तरह के दान पुण्य करता है, जिससे उसके तमाम ग्रह मजबूत बनते हैं। तमाम प्रकार के हवन करवाता है, पूजाएं करवाता है, जिसकी वजह से उसका जीवन मजबूत बनता है, सुंदर बनता है, उसकी तमाम इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि धन ही नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए धन को आप गलत चीज ना समझे। हाँ, जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, महामूर्ख व्यक्ति के हाथ में यदि धन आ गया तो अजब गजब लीलाएं शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो धनवान है वो बदनाम हो जाते हैं। मैंने खुद ने कितने ऐसे धनवान देखे हैं जिनसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है, जिन्होंने कुछ रुपए के लिए कितने ही घरों को उजाड़ दिया, ऐसे भी धनवान पड़े हैं। तो ऐसे धनवानों को देख करके लोगों को धन से नफरत होती है। धन से नफरत ना करें, ऐसे लोग के जो गुण हैं, गलत गुण, उन गुणों से नफरत करें, क्योंकि जो गलत गुण हैं, आदतें हैं, वो उन आदतों को जब व्यक्ति धन के लिए, धन से पोषने लग जाता है, तब नर आ जाता है पृथ्वी पर। गलत आदतों को, यदि धन आता है तो अच्छे कार्य करें, गलत कार्य क्यों करते हैं? तो धन का आना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, सिंपल सी बात है। और ये जो बात मैं बता रही हूं, आप इसको मान लो, लिख लो। रामचरितमानस, रामायण के एक एक शब्द स्वयं सिद्ध हैं। रामचरितमानस का नाम इसलिए ले रही हूं कि मैं उन्हीं के कुछ शब्द आपको बताने वाली हूं, जिसका आपको रटन ही करते रहना है। बस जब भी समय मिलता है बोलना शुरू कर दें, जब भी समय मिलता है बोलते रहे, बोलते रहे। और सोने से पहले या सुबह सिर्फ दो अगरबत्ती भगवान राम के नाम की आप लगा दें। सबसे सरल, सीधे साधे, कोई देव है तो भगवान राम है। भगवान राम स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, खुद ही ब्रह्म का रूप है। ब्रह्म ही है, ब्रह्म का रूप क्या है? भगवान राम का कलयुग में नाम लेने मात्र से काम सिद्ध होते हैं, है ना? रामचरितमानस का पाठ दोस्तों, यदि आपका कितना भी बड़ा संकट, वैसे मेरा कंटेंट नहीं है आज का, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कितना ही बड़ा आपका कोई भी बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई बहुत बड़ा काम है जो अटक रहा है, नहीं हो रहा है, आप उस काम को उद्देश्य बना करके भगवान, आप भगवान के सामने संकल्प करें कि मैं रामायण का पाठ करूंगा रोज। आप बैठ जाएं 9 दिन में, 30 दिन में, साल भर में, आप नियम लें कि मैं रामायण का पाठ पूरा कर दूंगा, और आप रामायण का पाठ करना शुरू करें कि मेरा ये काम होना चाहिए। दोस्तों, इस बात में कोई दम ही नहीं कि आपका वो काम ना हो। रामचरितमानस साक्षात भगवान का स्वरूप है। रामचरितमानस के एक एक शब्द में आपका पूरा जीवन बसा हुआ है। रामचरितमानस का एक एक प्रसंग आप देखना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रामचरितमानस पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू ना आए। एक एक प्रसंग आपकी आंखों में आंसू लेकर के आते हैं। जीवन क्या है ये आपको बताते हैं। जीवन के प्रति जो मोह है उससे व्यक्ति दूर होने लग जाता है, अपने धर्म पर स्थिर होने लग जाता है, है ना? तो आपको जब भी समय मिलता है भगवान राम का स्मरण करें और इस चौपाई का पाठ करें जो मैं आपको बता रही हूं। जिमि शरिता सागर महु जाहि, जद भी ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाई, धर्मशील पही जाहि सुभाई।
जैसे नदिया, उसकी इच्छा हो या ना हो, यद्यपि ताही कामना नाही। चाहे नदिया की इच्छा हो, उसकी कामना हो या ना हो, जिमि सरिता सागर मह जाहि। जैसे सरिता अपने आप ही, जितनी भी नदियां हैं कहाँ जाती हैं, सागर में जाती हैं, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो, उन्हें सागर में ही जाना है। ऐसे जो धर्मशील इंसान है, वो चाहे ना चाहे तमाम प्रकार की संपत्ति उसके पास आनी ही आनी है, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं पर माता लक्ष्मी है। धर्म का प्रतीक कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण, और भगवान नारायण की शक्ति कौन है? माता लक्ष्मी। जो व्यक्ति अपने धर्म पर खड़ा है, जिसकी पाप बुद्धि नहीं है, आप देखना जो व्यक्ति धर्म में खड़ा है उसकी बुद्धि भी बहुत तीव्र होती है। उसका बोलना, चालना, उठना, बैठना दुनिया को आकर्षित करता है। राम का जो स्वरूप था बहुत ही मनमोहक था, कृष्ण का जो स्वरूप था बहुत ही मनमोहक था। धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर एक गजब का आकर्षण होता है, दिव्य सुंदरता होती है, बुद्धिमता जबरदस्त होती है, जिससे वो भरपूर लक्ष्मी कमाते हैं। जो व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक होगा, माता लक्ष्मी उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा प्रसन्न होती है। धन और धर्म जब दोनों मिलते हैं, तब आपके घर में होती है लक्ष्मी नारायण की पूजा, है ना? तो ये जो रामचरितमानस के शब्द हैं, जब भी समय मिलता है आप इनको बोलते रहो, और आप देखो कितना धन आता है। जहां भगवान नारायण है, जहां भगवान विष्णु है, वहां माता लक्ष्मी को आना ही आना है। अपना धर्म निभाते रहो, धन अपने आप आएगा। करके देखें, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दें। जय श्री कृष्ण।